hello and welcome guys and yes before you watch this video i have a small message for all my students from down south i know guys you face problem in watching some of my videos which are not made in english they are made in hindi but guys the courses which i have launched only in hindi for uh, the benefit of the country as whole those courses are not available in english i know you face difficulty in watching certain videos which are made in hindi but it's a promise it's a commitment to all of you i will soon come up with marathons of my respective subjects which will be entirely entirely in english and yes just like i've recorded cost audit and bvm spm in english i commit to you that i have this plan in mind that i'll be coming up with english videos for other subjects as well till that time i will be putting up marathons i'll be putting up some short videos on the subjects enjoy those videos स नाउ इंजॉय दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टार्टिंग अब आ जाओ दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं और ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भाई हम um, थ्योरिटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरिटिकली आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रैक्टिकली इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है लेकिन इंटरनेशनल टैक्सेशन के बहुत इंपॉर्टेंट दो स्तंभ हैं बहुत इंपॉर्टेंट दो पिलर हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल फॉरन कॉर्पोरेशन ठीक है सर तो भाई एक बहुत पुरानी कहानी है कहानी है दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है सर इस कहानी का यहां क्या रेलिवेंस पहले कहानी तो सुन लो पंचतंत्र की बड़ी फेमस कहानी है दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर आ, 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 मौका पा जाता है और एक बंदर आ, 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 चांस पे डांस कर लेता है तो हुआ यूं दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं क्यों क्योंकि क्यों? क्यों उनके पास एक रोटी थी वो रोटी दोनों बिल्लियों को आपस में लड़ाई का स्रोत बन गई थी क्योंकि दोनों बिल्लियां उस रोटी के पीछे लड़ रही थी अब एक बंदर आया बंदर ने कहा अरे क्यों बिल्ली मौसी क्यों लड़ रही हो बिल्लियों ने कहा कि अरे बंदर भाई ये एक रोटी है और हम दोनों को ये रोटी खानी है तो आ, आ, वो बड़ी है हम दोनों सिस्टर्स हैं वो मेरे से बड़ी है तो वो कह रही है रोटी मैं खाऊंगी मैं छोटी हूं लेकिन मैं कह रही हूँ रोटी मैं खाऊंगी तो हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं बंदर कहता है अरे लड़ाई क्यों करनी है क्यों लड़ाई करनी है सुनो मैं ना रोटी को आधा आधा कर देता हूं तुम दोनों खा लेना बिल्ली ने कहा तो बड़ा अच्छा आइडिया तो बंदर ने रोटी को आधा आधा कर दिया और दोनों बिल्लियों के हाथ में आधी आधी रोटी पकड़ा दी अब बंदर के मन में आया लालच बंदर ने कहा मेरा क्या फायदा होगा तो बंदर ने अपनी सूझबूझ लगाई और बंदर ने बड़ी वाली जो आ, आ, बिल्ली मौसी थी उसको बोला सुनो बिल्ली जरा अपनी रोटी मुझे दिखाना अरे तुम्हारी रोटी तो छोटी है तुम्हारी जो आधी रोटी है वो छोटी है छोटी बहन जो है तुम्हारी उसके पास बड़ी रोटी है तो मैं क्या करता हूं छोटी बहन की जो बड़ी रोटी है उसमें थोड़ा सा टुकड़ा काट के खा लेता हूं ताकि तुम्हारे पास सेम प्रपोर्शन में रोटी आए बंदर ने क्या किया उसकी रोटी में से थोड़ा सा पोर्शन खा लिया फिर उसने अब छोटी वाली आ, आ, बिल्ली को कहा अरे बिल्ली तुम्हारी तो बहुत छोटी हो गई रोटी सुनो मैं दूसरे वाली बिल्ली की रोटी में से टुकड़ा काट के खा लेता हूं ताकि तुम दोनों के हाथ में सेम प्रपोर्शन है उसने दूसरे वाले के के हाथ में से भी टुकड़ा काट के खा लिया फिर दोबारा उसने बड़ी वाली बिल्ली को कहा अरे बिल्ली तुम्हारी रोटी तो छोटी हो गई मैं छोटी वाली बिल्ली की रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा खा लेता हूं इस तरह करते 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 वो रोटी खत्म हो गई और वो रोटी किसने खाई बंदर ने खाई दोनों ही बिल्लियों ने वो रोटी नहीं खा पाए रोटी किसके हाथ लगी बंदर के हाथों रोटी लेगी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो बेनिफिट कौन उठाता है बेनिफिट उठाता है एक थर्ड पर्सन बेनिफिट उठाता है एक थर्ड पार्टी अब मैं आ जाता हूं अपने एग्जाम्पल में वापस मिस्टर ए के एग्जाम्पल में भाई ये है यूएस ये है इंडिया ये है यूएस ये है इंडिया मिस्टर ए इंडिया में रहते हैं अपना बिजनेस इंडिया से करते हैं और इंडिया से बिजनेस करने के लिए उनको यूएस में भी कई बार जाना पड़ता है तो मिस्टर ए यूएस में भी कई बार रहते हैं क्योंकि इंडिया में तो उनका बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस जो कस्टमर्स हैं वो यूएस में सिचुएटेड हैं तो मिस्टर ए यूएस में आते जाते रहते हैं ठीक है सर अब मिस्टर ए जब यूएस में आते जाते रहते हैं तो मिस्टर ए US की टैक्स अथॉरिटीज़ से पूछते हैं अरे यूएस की टैक्स अथॉरिटीज बताओ कि तुम आ, 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 कितने रेट का टैक्स भाई हम लेंगे अथॉरिटी के, के पास आए, F, इंडिया वाली अथॉरिटी से पूछा इंडियन अथॉरिटी बताओ कितना रेट का टैक्स मिस्टर ने कहा थर्टी परसेंट का टैक्स तो लूंगी थर्टी परसेंट का टैक्स रेट विल बी टेकन बाय मी मिस्टर ने कहा अरे मैं अगर इंडिया में बिजनेस करता हूं तो मुझे टैक्स रेट पे करना पड़ रहा है थर्टी परसेंट का अगर मैं यूएस में टैक्स करता हूं तो बिजनेस करता हूं तो मुझे टैक्स रेट पे करना पड़ रहा है एटीन परसेंट का तो बेटर यह है कि मैं अपना बिजनेस चाहे कहीं भी करूं लेकिन दिखाऊं कहां मैं दिखाऊं यूएस में कि मैं यूएस में हूं और मैं यूएस की uh, टैक्स अथॉरिटी को अथॉरिटीज को टैक्स पे कर दूंगा मैं इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स पे नहीं करना चाहता क्योंकि इंडिया के इनकम टैक्स अथॉरिटीज टैक्स ज्यादा रेट पे लगाई करती हैं अब सपोज रेजिडेंसी रूल लगाए तो ए जहां का भी रेजिडेंस होगा मतलब ज्यादा दिन जहां रहा होगा वहां टैक्स लगेगा तो मिस्टर ए ने जान के अपना पीरियड ऑफ स्टे यूएस में ज्यादा कर दिया क्योंकि मिस्टर ए चाहते हैं कि यूएस में उनकी इनकम टैक्स हो ना कि इंडिया में क्योंकि यूएस यूएस में में टैक्स टैक्स का का रेट रेट है बहुत 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 कम तो मिस्टर ए ये चाहेंगे कि में का क्योंकि कम है तो यूएस में टैक्सेबिलिटी अराइज हो उनकी उनकी इंडिया में टैक्सेबिलिटी अराइज ना हो मिस्टर जान बुझ के चाहेंगे मिस्टर ए को पता है दोनों के बीच में है लड़ाई इंडिया और यूएस टैक्स अथॉरिटीज के बीच में है लड़ाई दोनों आपस में लड़ते रहते हैं तो मिस्टर ए क्या कहेंगे मिस्टर के अपने बिजनेस को कहां दिखाने की कोशिश करेंगे सोर्स को कहां दिखाने की कोशिश करेंगे वो दूसरी कंट्री में अपने सोर्स को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरा जो बिजनेस है ना वो तो भाई दूसरी से मैं करता हूं मैं इंडिया से तो करता ही नहीं वो अपना यूएस में एक छोटा सा ऑफिस खोल लेंगे हालांकि ऑपरेशन इंडिया में हो रहे होंगे लेकिन वो यूएस में बिजनेस खोल के कहेंगे मेरा हेड ऑफिस यूएस में है मेरा सारा काम यूएस में है ऐसा करेंगे कौन टैक्स पेयर्स सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर टैक्स के रेट होते हैं बहुत 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 कम ऑलमोस्ट जीरो के बराबर फॉर एग्जाम्पल दुबई दुबई में देर इज अ जीरो टैक्स रेट वहां टैक्स रेट जीरो है अगर वहां टैक्स रेट जीरो है तो नेचुरल सी बात है हर टैक्सपेयर चाहेगा कि उसकी इनकम कहां टैक्स हो दुबई में जाके टैक्स हो हर टैक्सपेयर यह चाहेगा तो अगर टैक्स पेयर ये चाहेगा कि उसकी इनकम दुबई में जाकर टैक्स हो तो वो कुछ ऐसे तरीके आजमाएगा वो कुछ ऐसे हरकतें करेगा वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये इनकम को टैक्स करने का जो राइट है वो दुबई गवर्नमेंट के पास है इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है टैक्स रेट इज वेरी वेरी लेस वे आर टैक्स प्रोविजन आर वेरी वेरी लेस वे आर टैक्स कॉन्सेप्ट टैक्स एक्ट इज वेरी वेरी लेस दीज प्लेसेस आर नोन एज टैक्स हेवन हैवन का क्या मतलब है जन्नत टैक्स जहां नहीं पे करना पड़ेगा वहां जन्नत है ऐसे ऐसी की इन एरियाज को कहते हैं टैक्स हेवन अगर मैं कुछ ऐसे एरियाज का नाम लू तो वो है साइप्रस सिंगापुर British Virgin Islands, Cayman Islands, Mauritius, Delaware, and many, many, many more. हालांकि मॉरिशियस के केस में 2018 में एक लॉ आया है जिसने मॉरिशियस को एक बहुत ज़्यादा बढ़िया जो पहले टैक्स हेवन माना जाता था अब उसे पलट दिया है हम उस लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन ब्रॉडली टैक्स हैवन्स आर एग्जाम्पल ऑफ टैक्स हैवन्स आर दीज दीज आर टैक्स हैवन्स वेयर देर इज ऑलमोस्ट नो और नॉमिनल टैक्स रेट नो टैक्स रेट है या नॉमिनल टैक्स रेट है टैक्स पेयर चाहेगा उसकी इनकम ज्यादा से ज्यादा इन वाले जो में फॉल करे ताकि उसे टैक्स पे ना करना पड़े या बहुत ही नॉमिनल रेट पर टैक्स पे करना पड़े तो ये टैक्स uh, पेयर चाहेगा देन ट्रांसपेरेंसी, भाई इन कंट्रीज में जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती तो ट्रांसपेरेंसी ना होने से मेरा मतलब ये है कि आ, इन वाली कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है ना वो अपने सिटीजन को तो ज्यादा बेनिफिट दे देती हैं टैक्स के रिस्पेक्ट में और बाहर से कोई सिटीजन आता है उसे कम बेनिफिट देती है लेकिन फिर भी जो जहां से वो आया है वहां की गवर्नमेंट से तो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा तो वह आएंगे जरूर बाहर के लोग लेकिन अंदर के लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा बाहर के लोगों को कम बेनिफिट मिलेगा ट्रांसपेरेंसी का लैक होगा इन वाले जरिस्टेक्शन के अंदर

तो जो ये वाली जिसे होती हैं ये लोकल प्रेजेंस पे एम्फेसिस नहीं डालती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे कहीं भी डिसीजन ले रहे हो अगर आपने एक कमरा ले लिया एक कमरा ले ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में और वहां एक बोर्ड लगा दो अपनी कंपनी का तो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड सरकार जो होगी वो कहेगी कि हां ये कंपनी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में सिचुएटेड है जबकि इंडिया की सरकार कहेगी या जो टैक्स हेवन नहीं है उनकी सरकारें कहेंगी नहीं भाई नहीं सिर्फ बोर्ड लगाने से थोड़ी तुम्हारा प्रेजेंस पता लगता है तुम काम क्या कर रहे हो इंडिया में रह के ये बताओ तो पता लगेगा कि तुम्हारा प्रेजेंस इंडिया में है या नहीं है तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो प्रेजेंस के बिना ही प्रेजेंस अगर नहीं भी हो तो भी वो रेजिडेंसी को अपनी कंट्री में मान लेती हैं ताकि रेजिडेंट उस कंट्री का बन जाए और कम रेट पे टैक्स मतलब बेसिकली टैक्स पेयर को बेनिफिट पहुंचाने वाली बात है भाई टैक्स पेयर कोई तिकड़म लगा के रेजिडेंसी उस कंपनी की उस कंट्री की लेना चाहेगा जहां टैक्स रेट कम हो और वो कंट्रीज जो टैक्स हेवन होती हैं ये उनको मदद करती हैं कि हम तिकड़म लगाने में आओ तुम्हारी मदद करते हैं हम लोग अपने जो बेंच रखेंगे जो अपने रूल्स रखेंगे वो इतने ईजी रखेंगे कि तुम आराम से हमारी कंट्री के रेजिडेंट बन जाओगे सो ऐसी कंट्रीज़ में लोकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऐसी कंट्रीज में वहां आदमी मौजूद हो रेजिडेंसी प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कंपनी लोकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट ऐसी टैक्स में नहीं होती एंड लास्ट नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई। uh, आपने सुना होगा इंडियन सरकार जो हमारे uh, स्विट्जरलैंड uh, में स्विस बैंक अकाउंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मंगा रही है कि इंडिया के जो लोग लोगों ने अपना बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में खोला हुआ है उनकी ज़रा इन्फॉर्मेशन हमें इंडिया में दे दो और स्विट्जरलैंड के लोग कह रहे हैं नहीं भाई नहीं हम तो नहीं देंगे हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते सुनने में आता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग बड़े बड़े बॉलीवुड की हस्तियों के मोटे मोटे बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड के इन uh, बैंक्स में सिचुएटेड है लेकिन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट इनको इंडिया को शेयर करने में रेडी नहीं होती तो टैक्स हेवन का एक ये बड़ा पिक्युलर फीचर होता है ये लोग अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी सरकार के साथ शेयर करने में रिलक्टेंट होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्यों क्योंकि इन्हें पता है अगर इंफॉर्मेशन सरकारों से शेयर हो गई तो वो सरकारें इन वाले लोगों को परेशान करेंगे हैरस करेंगे और उनसे इनकम टैक्स लेने की कोशिश करेंगे जो हमने नहीं लिया जो स्विट्जरलैंड ने नहीं लिया तो सर एक बात बताइए आप कह रहे हैं कि लोग लो, लो टैक्स लेते हैं या नो टैक्स लेते हैं सर तो एक चीज बताइए फिर इनकी इकोनॉमी चलती कैसे है अरे ये जी कैसे रहे हैं ये जिंदा कैसे हैं? इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है भाई, इनकम टैक्स रेवेन्यू सोर्स होता है किसी भी गवर्नमेंट का तो अगर ये टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहे तो इनका रेवेन्यू का सोर्स क्या है ये अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं भाई सीधी सी बात है ये लोग अपना टैक्स का इनकम uh, 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 को जीरो करके एक बहुत बड़ी इनकम कमा रहे हैं लोग इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए और वो पैसा जो इन कंट्रीज के अंदर आता है इन कंट्रीज की इकोनॉमी उस पैसे से ही चलती है तो आज से 20 या 30 साल पहले अगर तुम सिंगापुर जाते तो सिंगापुर में बिल्कुल भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था सिंगापुर में अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है जिनको बेच के वो पैसा कमा सके तेल नहीं है उनके पास उनके पास कोयले की खाने नहीं है ऐसा कोई बिजनेस नहीं है उनके पास जिसको वो करके अपना कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते तो उन्होंने क्या किया उन्होंने टैक्स के दिए लोगों लोगों को, लोगों को बोला कि आप अपने को यहां पर करो, ला के के, ताकि आपको सिंगापुर में जाके लोकेट कर लिए ताकि टैक्स का बेनिफिट मिले टैक्स बिल्कुल भी पे ना करना पड़े और उन सब लोगों का जो पैसा सिंगापुर में इन्वेस्ट हुआ उस इन्वे, उस से सिंगापुर की तरक्की हो गई उस इन्वेस्टमेंट से सिंगापुर का डेवलपमेंट हो गया तो अगर तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं है अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा बाहर की कंट्री से पैसा मंगाना पड़ेगा बाहर की कंट्री से पैसा मंगाने का बड़ा सिंपल तरीका उन्हें इनकम टैक्स का बेनिफिट दे दो उन्हें बोलो अगर तुम यहां पर आके अपना बिजनेस इनकम कमाते हो तो हम पीजीबीपी जीरो रेट पर टैक्स कर देंगे सारे वर्ल्ड से लोग उसी जगह आ जाएंगे जहां पर टैक्स रेट बहुत 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 कम होगा यही काम किया मॉरिशियस ने यही काम किया साइप्रस ने यही काम किया ये छोटे छोटे आईलैंड ने जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को तरक्की पे की राह पे ले गए उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं इनकम टैक्स हम नहीं अपना ले रहे ना इनकम टैक्स का हमें लॉस हो रहा है ना कोई बात नहीं पैसा तो इनफ्लो हो रहा है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की तरक्की तो हो रही है हमारे लिए इतना काफी है हमारे लिए इतना सफिशेंट है सो so, इनकम टैक्स को बचाने का इनकम टैक्स को सेव करने का जो मकसद है इन वाली कंट्रीज का इनकम टैक्स में छूट देने का जो मकसद है वो uh, uh, किस लॉजिक से है वो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है ये इन्वेस्टमेंट चाहती हैं अपनी कंट्री के अंदर लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें बस इन्हें इनकम टैक्स नहीं चाहिए क्योंकि लोगों ने जो इन्वेस्ट किया इनकी कंट्री में जाके उससे इनकी कंट्री डेवलप हो गई उससे इनकी कंट्री तरक्की पर पहुंच गई सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देर इज नो इनकम टैक्स इन सर्टन कंट्रीज दे डेवलप दे जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर

अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन इनमें अराइज हुई इनकम इसमें लोकेटेड हुई इनकम का ओरिजिन हुआ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी एक भी रुपए का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखने वाले हैं और आ, आ, कुछ समय बाद बुक से भी पढ़ेंगे भाई अपने लास्ट कॉन्सेप्ट है कंट्रोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशन अब एक बड़ा यूनिक टाइप का मैकेनिज्म uh, होता है इस मैकेनिज्म में भी भाई इसी तरह का कुछ टैक्स हेवन की मदद ली जाती है टैक्स को अवॉइड करने के लिए आओ समझते हैं कैसे भाई इंडिया में एक कंपनी है ए लिमिटेड ए लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी है दुबई में हंड्रेड परसेंट शेयर्स जो बी लिमिटेड के ओन करता है वो ओन करता है ए लिमिटेड 100% परसेंट शेयर जो बी लिमिटेड के ओन करता है वो ओन करता है ए लिमिटेड बद, बदले में बी लिमिटेड ए लिमिटेड को डिविडेंड देती है बदले में बी लिमिटेड ए लिमिटेड को डिविडेंड देती है और डिविडेंड इनकम ए लिमिटेड के हाथ में टैक्स होता है नेचुरली अब मैंने आपको बताया इंडिया में इनकम टैक्स का जो रेट है वो अप्रॉक्सिमेटी थर्टी परसेंट है दुबई में जो इनकम टैक्स का रेट है वो जीरो परसेंट है ठीक है तो अब

क्या बेनिफिट हुआ कुछ भी नहीं बी लिमिटेड uh, को दुबई में हम लोकेट जो किया हमने बी लिमिटेड को क्या भाई uh, बेनिफिट हुआ कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ सर क्योंकि हमें अल्टीमेटली डिविडेंड के रूप में तो टैक्स पे करना पड़ा यहां पीजीबी भी तो बचा लिया पीजीबी का टैक्स तो बचा लिया लेकिन यहां पर जब डिविडेंड की तरह डिक्लेयर हुआ तो वो टैक्स हमारा नहीं बचा हमारे को उस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ा सो so, इस पूरे के पूरे टैक्स को डेफर करने का एक इजी तरीका है डिविडेंड डिक्लेयर ही मत करो अरे सुनो बी लिमिटेड तुम हो तो ए लिमिटेड का ही आम इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज तभी टैक्स कर सकती हैं जब डिविडेंड डिक्लेयर हो तो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज ताक लगा के बैठी हैं अरे बी लिमिटेड लाओ डिविडेंड दो अरे बी लिमिटेड लाओ डिविडेंड दो ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज ताक लगा के बैठी है इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज बी लिमिटेड डिविडेंड दो, दो, दो बी लिमिटेड इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कहता है इल्ले इल्ले नहीं दे रहे डिविडेंड इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को गुस्सा आ जाता है इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं जब तक बी लिमिटेड ए लिमिटेड को डिविडेंड नहीं देगा तब तक हम बी लिमिटेड की इनकम को टैक्स कैसे करेंगे नहीं कर सकते टैक्स

ए लिमिटेड यह वाला पैसा पूरा का पूरा सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दे ए लिमिटेड कहे सुनो सी लिमिटेड मेरे पास एक बी लिमिटेड कंपनी है जिसका शेयर होल्डर मैं हूं पूरा का पूरा। ये पूरे का पूरे शेयर होल्डिंग मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं आज के बाद लिमिटेड तुम्हारी सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी नहीं आज के बाद बी लिमिटेड तुम्हारी सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी नहीं तो देखना इस केस में कैपिटल गेन तो टैक्स होगा लेकिन अल्टीमेटली जो डिविडेंड इनकम टैक्स होनी चाहिए थी लिमिटेड के हाथ में वो टैक्स नहीं हुई और दूसरा अगर बेचे भी ना अगर बेचे भी ना तो भी इनकम टैक्स डेफर तो हो गया डेफर जब ए लिमिटेड चाहेगा तब इनकम टैक्स पे करेगा आराम से साल दो साल तीन साल बाद वो कह देगा दोगे दो तो सारा सारा इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा डिविडेंड मत दो मुझे तुम डिविडेंड अपने पास रखना बी लिमिटेड तो सारा का सारा डिविडेंड ए लिमिटेड लिमिटेड बी के पास एक्मुलेट करता रहेगा और ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड के बाद डिविडेंड को एक्ट करता रहेगा वो सारा सारा का डिविडेंड ए लिमिटेड नहीं लेगा बी लिमिटेड से तो टैक्सेबिलिटी इस डिविडेंड पे नहीं आएगी ए लिमिटेड के पास दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशन जिसका ऑब्जेक्टिव यह होता है टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी को डेफर करना ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशन का और इस डेफरमेंट में मदद करते हैं दो कंट्रीज के डिफरेंशियल टैक्स रेट्स अगर जिस कंपनी में सब्सिडी सिचुएटेड है उसका टैक्स रेट बहुत 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 कम है तो जो होल्डिंग कंपनी है वो चाहेगा कि सब्सिडी उसको टैक्स उसको डिविडेंड ना पे करे ताकि होल्डिंग कंपनी के हाथ में टैक्स का कोई इंप्लीकेशन आए ही ना ज नोन एज कंट्रोल्ड फॉरन कॉरपोरेशन तो अगर कंट्रोल्ड फॉरन कॉरपोरेशन है जैसे बी लिमिटेड इज अ सी एफ सी ऑफ ए लिमिटेड बी लिमिटेड वही करेगी जो ए लिमिटेड कहेगी तो बी लिमिटेड इफ इट इज अब्सिड्री और इज अ कंट्रोल्ड फॉरन कॉरपोरेशन ऑफ ए लिमिटेड देन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल्ड फॉर कॉर्पोरेशन विल कम इन टू प्ले दिस विल लीड टू डेफरमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी से डेफर हो जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट का होगा लॉस क्योंकि जो टैक्स आज रिकवर होना चाहिए था वो आज रिकवर नहीं होगा वो होगा भाई कल परसों तरसों पता नहीं किस ईयर में जिस ईयर में रिविड डिक्लेयर होगा ना उस ईयर में ये वाला रिकवर होगा टैक्स अब सर इसका समाधान क्या है समाधान बड़ा सिंपल सा जो कंपनी सीएफसी एफ की कैटेगरी में आती हैं उनकी अर्नड इनकम को एम कर लो कि वो डिविडेंड इनकम भी है और वो डिक्लेयर भी हो चुकी है जो बी लिमिटेड की इनकम है जिस ईयर में उसने कमाया और अपने रिजर्व में रख दिया उसी साल में इसे डिविडेंड इनकम भी एज्यूम कर लो और ए लिमिटेड को बोलो लाओ बिलाओ टैक्स दे दो ए लिमिटेड कहेगा अरे भाई मैंने तो डिविडेंड लिया नहीं तो क्या हो गया हम एज्यूम कर रहे हैं कि तुमने डिविडेंड ले लिया क्योंकि बी लिमिटेड अपने पास डिविडेंड रख के करेगी क्या जो रिजर्व में उसने रखा है वो अपने पास रख के करेगी क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुमने डिविडेंड ले लिया दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ़ कंट्रोल्ड फॉरन कॉरपोरेशन लेकिन भाई ये कंट्रोल्ड फॉरन कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में तो अभी अप्लाई नहीं हुआ है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि हमारे सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट है और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, जर्मनी जहाँ पर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई ऑलरेडी हो गया है इंडिया में भी बातचीत चल रही है ये वाला कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई नहीं हुआ लेकिन इस वाले कन्सेप्ट को जानना जरूरी है जहाँ डेफरमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होता है वहाँ पर हमें टैक्स लाइब्रिलिटी को रोकना है डेफर होने से इसलिए कॉन्सेप्ट लगता है कंट्रोल्ड फॉरन कॉरपोरेशन तो ठीक है ये था भाई एक ओवरव्यू हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है टैक्स सेवन क्या होते हैं डबल टैक्सेशन कितने टाइप का होता है डी टी ए क्या होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल टैक्सेशन का लॉ हम पालन करते हैं लॉ को हम इंप्लीमेंट करते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन के डिस्कशन पे तो चलो अब अबाउ थियोरटिकली हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को बुक से समझते हैं

सब्जेक्ट टू टैक्स लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा बिजनेस जो किसी भी रीजन की वजह से बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज में टैक्स पे करने के काबिल है टैक्स पे करने का उसको कोई ना कोई रीजन है कि वह सिर्फ एक देश में ही टैक्स नहीं पे करेगा वह दूसरे देश में भी टैक्स पे करेगा अगर कोई ऐसा पर्सन है उसके टैक्स को डिटरमाइन करने को हम बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन इनकम टैक्स सिस्टम में इंपोज टैक्स ऑन लोकल इनकम ओनली तो जो इनकम टैक्स सिस्टम होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के वो सिर्फ लोकल इनकम पे इनकम टैक्स लेवाई करते हैं और ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम जनरली वेयर वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्स रिडक्शन ऑफ टैक्स और फॉरन क्रेडिट आर प्रोवाइडेड फॉर टैक्स पेड टू अदर ज्यूरिसडिक्शन टू अवॉइड डबल जियो डबल टैक्सेशन तो भाई सीधी सी बात अगर दो कंट्रीज टैक्स रिसीव करेंगी किसी भी पर्सन से टैक्स लेवाई करेंगी किसी भी पर्सन से तो दोनों में से किसी एक कंट्री को क्रेडिट देना पड़ेगा किसी एक कंट्री को उस टैक्स का डिडक्शन uh, देना पड़ेगा उस एस को सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस दो बार एक इनकम को हम टैक्स नहीं होने देंगे और इंटरनेशनल टैक्सेशन में यह वाला मुद्दा सबसे ज्यादा उठता है क्यों सबसे ज्यादा उठता है इसलिए कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक टैक्स अथॉरिटी नहीं दो टैक्स अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है इसलिए डबल टैक्सेशन का मुद्दा सबसे ज्यादा अगर कहीं उठता है तो वह इंटरनेशनल टैक्सेशन में ही उठता है नाउ टैक्स हेवन हमने पढ़ा था भाई नी कंट्रीज यूज टैक्स एंड नॉन टैक्स इंसेंटिव मतलब लालच देना कुछ लालच देती countries है कई कंट्रीज टू अट्रैक्ट एक्टिविटीज सेक्टर दीज कंट्रीज ऑफर फॉर इन्वेस्टर एंड एनवायरमेंट विद नो और नॉमिनल टैक्सेशन ऐसी जो कंट्रीज होती हैं वो फॉरन इन्वेस्टर्स को एक ऐसा इको सिस्टम प्रोवाइड करती है एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है जहां नो या निनल टैक्स है जहां टैक्स बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम रेट का टैक्स है विच इज यूजली कपल्ड विद अ रिडक्शन इन रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव तो हम लोग आ, कोशिश करते हैं ताकि फॉरन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आए हमारी कंट्री में टैक्स नहीं लेंगे भाई उनसे बहुत कम टैक्स लेंगे भाई उनसे दूसरी बात उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव से भी बचा लेंगे मतलब अगर उन्हें कंपनी सपोज एस्टैब्लिश करनी है इंडिया में तो भाई दस तरह के डॉक्यूमेंट भरो दस तरह के कागजात भरो यहां साइन करो 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 इस बाबू के पास जाओ उस बाबू के पास जाओ उस बाबू के पास जब कि अगर सेम कंपनी अगर हमें सपोज से किसी टैक्स हेवन में खोलनी है सिंगापुर में खोलनी है होगी कोई डॉक्यूमेंट भी शायद वो ना मांगे कोई शायद फॉर्मेलिटी भी करने को ना बोले और आपकी कंपनी वहां खुल जाएगी उस कंपनी का बेस चाहे वहां हो चाहे ना हो आपने कोई प्रमाइस चाहे वहां लिया हो चाहे ना लिया हो इने बोलते हैं शेल कंपनीज जो नाम को तो सिंगापुर में है जो नाम को तो उस कंट्री में है जिस कंट्री में आप कह रहे हो लेकिन एक्चुअली में वो आ, सिर्फ नाम नाम के लिए ही वहां पर है एक्चुअली उनका बिजनेस किसी और कंट्री से हो रहा है सर फायदा क्या अरे फायदा भाई सिंपल सा ये जिस कंट्री में आप दिखाओगे कि वो कंट्री आ, कंपनी एग्जिस्ट करती है उस कंट्री के टैक्स लॉज उस कंपनी पे लगेंगे फिनेटली बेनिफिट होगा क्योंकि टैक्स बहुत 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 कम देना पड़ेगा किस तरह की इनकम पे पीजीबीपी पे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे सो so, बड़ी सिंपल सी बात टैक्स हैवन वो कंट्रीज होती हैं जहां टैक्स या नॉन टैक्स के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जहां पर एक ऐसा एनवायरमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम दिया जाता है जहां पर या तो टैक्स बिल्कुल नहीं हो या बहुत नॉमिनल रेट का टैक्स हो और रेगुलेटरी uh, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट को भी हटा दिया जाता है ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ा जाता और उन कंट्रीज को हम बोलते हैं टैक्स हेवेंस द एक्टिविटी इज यूजली नॉट सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट बैंक सीक्रेसी प्रोविजन दिस जरिजिक्शन आर नोन एज टैक्स तो भाई ऐसे कंट्रीज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आयाम होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को ये लोग रोकते हैं मतलब ये लोग आ, किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन जैसे मान लो किसी कंपनी ने एक अपनी सब्सिडरी खोली है ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में तो अगर इंडियन गवर्नमेंट है इंडियन कंपनी ने अपनी सब्सिडी खोली है ब्रिटिश भोजन आइलैंड्स में अगर इंडियन गवर्नमेंट जाए ब्रिटिश भोजन आइलैंड और उनकी सरकार से बोले ज़रा इंडियन कंपनी की जो सब्सिडी है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे दो तो वो दूसरी सरकार मना कर देगी वो लोग भाई टैक्स टैक्स ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते वो लोग किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते वो किसी भी तरह का डेटा किसी और कंट्री को पास ऑन नहीं करते क्योंकि उन लोगों के लिए वो जो कंपनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने ढेर सारा पैसा उनकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है उनकी कंट्री में रखा हुआ है जिसकी वजह से वो इकनॉमी चल रही है So, एक बड़ा क्लासिक फीचर है टैक्स हेवेंस का वो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाधित होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है द सेंट्रल फीचर ऑफ अ हेवन इज दैट इट्स लॉज एंड अदर मेजर्स कैन बी यूज्ड टू इवेड और अवॉइड

डेलावेयर वो एरिया है जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम है मतलब ये वो एरिया है यूएस का जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डील करती है। जैसे औरेकल, औरेकल से हैं जैसे ऑरेकल ऑरेकल की पांच से सात बिल्डिंग्स हैं वहां पर डेलावेयर में सो so, ये वो एरिया है जो पहले यूएस में बिल्कुल भी आ, 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 मतलब आ, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं था लेकिन गवर्नमेंट ने फिर इसको एक टैक्स हेवन बना दिया ताकि ये ग्रो हो जाए और आज के डेट में डेला वेर इज़ वन ऑफ़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ और कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड नवेडा व्योमिंग इन यूरोप एंडोरा कैनरी नैदरलैंड साइप्रस एशिया में मॉरिशियस सिंगापुर दुबई ये सब टैक्स हेवनस हैं जहां पर टैक्स रेट बहुत-बहुत बहुत कम है एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स भी बहुत-बहुत बहुत कम है की फैक्टर्स फोर की फैक्टर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर जो इज अ टैक्स हेवन तो चार कौन सी चीजें आप देखोगे जिनको देख के आपको ये पता लगेगा कि भाई हां ये वही बदमाश कंट्री है जो बदमाश कंट्री टैक्स हेवन बन चुकी है और अपने टैक्स बेनिफिट दे दे के दे दे के दे, दे के दुनिया का पैसा अपने यहां मंगवा रही है और टैक्स एक भी रुपए का उन वाली कंपनीज को नहीं देना पड़ता कैसे पता लगेगा नंबर वन इंपोज नो और नॉमिनल कंट्री बहुत कम टैक्स रेट रखती है एक परसेंट दो परसेंट पांच परसेंट उसे टैक्सेज इन देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस तो जहां पर नॉन रेजिडेंट्स लोकेटेड है वहां पर वो अगर बहुत ज्यादा हाई टैक्स से सफर करते हैं तो वो लोग अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देते हैं इन कंट्रीज में कोई एटलीस्ट चलो पूरा बिजनेस भी ना ट्रांसफर करें तो उसका थोड़ा सा एक सेक्शन ट्रांसफर कर दें कुछ तो, कुछ तो टैक्स बचेगा थोड़ा तो टैक्स बचेगा जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं भाई सैमसंग के टीवी आते हैं बड़े बड़े सैमसंग टीवी मैन्युफैक्चर सपोज होते हैं जापान में जो मेन है सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं जापान में वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अब उसका एक बैकएंड ऑफिस है आ, आ, भाई इस वाली की कंपनी कंपनी का जो एक अलग के अंदर फॉर्मड है और वो बैकएंड जो लोग होते हैं ना उनका क्या काम है सर्विसेज देना तो वो कॉल अटेंड करते हैं अगर किसी को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है सैमसंग के टीवी में तो वो कॉल जब अटेंड करेंगे तो कॉल का रिस्पॉन्ड करेंगे और उन्हें सर्विस रेवेन्यू मिलेगा तो अभी जो सर्विस रेवेन्यू है इसके लिए जापान में होना जरूरी नहीं है ये तो आप जापान में हो चाहे आप बर्म्यूडर ट्रायंगल में हो चाहे आप साइप्रस में हो कहीं भी हो चल जाएगा कॉल सेंटर वाला जॉब तो इसलिए सैमसंग क्या करेगी जो उसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो विंग है उसको तो जापान में रखेगी ये जो बैक एंड वाले फंक्शन होते हैं इनको ले जाएगी साइप्रस या इवन जो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्शन होते हैं इनको ले जाएंगे किसी लो टैक्स ड्यूरजेक्शन में बिकेगा माल तो जापान से ही जो हेडक्वार्ट होंगे वो तो जापान में ही होंगे जो बेसिक रिटेल का ऑफिस होगा वो तो जापान में ही होगा लेकिन जो बैक एंड ऑफिस होगा आ, आ, इस वाले ऑर्गेनाइजेशन का वो एक लो टैक्स जोरिजिक्शन में लोकेट कर दिया जाएगा सो इम्पोज नो और ओनली नॉमिनल टैक्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई ये वाली जो कंट्रीज होती हैं वो कोई भी डेटा एक्सचेंज नहीं करती uh, 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 सबसे पहली बात तो इन वाली कंट्रीज के अंदर टैक्स uh, लॉज को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती मतलब क्या? मतलब क्या ये जो अपनी कंट्री के टैक्स रेजिडेंट्स हैं उनको जो टैक्स रेट लगेगा वो फर्क और जो बाहर की कंट्री से रेजिडेंट्स आ रहे हैं उनको जो टैक्स रेट लगेगा वो फर्क उनमें डिस्टिंग्विश करती हैं ताकि बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर पाए तो टैक्स लॉज में ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है इन वाली कंट्रीज़ में ये लोग ऐसी रूलिंग्स पास करते हैं जिससे कि इनके अपने लोगों को या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको बेनिफिशियल ट्रीटमेंट uh, मिले ताकि वो और ज़्यादा इन कंट्रीज़ में आएँ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लॉ में कुछ और लिखा है इनकी जो रूलिंग्स होती है ना जजमेंट्स होती हैं वो कोई और रूलिंग दे देती हैं uh, किसके फेवर में अस एस के फेवर में टैक्स uh, पेयर uh, के फ़ेवर में बेनिफिट क्या बेनिफिट क्या टैक्स पेयर खुश हो जाएगा और वो खुश हो इन कंट्रीज़ में आएगा ही आएगा सो so, ये कंट्रीज का एक खास इंडिकेशन होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती जैसा मतलब जैसा मतलब जिसे कहते हैं ना जैसा गाल वैसा तमाचा तो एक दुकानदार के पास जब आप जाते हो ना तो अगर वो आपको देख ले अरे वाह ये तो बड़े साउथ डेली टाइप के लोग हैं और इनमें इन, 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 इन तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक, चीज खरीद सकते हैं तो अपने चीजों के दाम कई लोकल दुकानदार वाले वो बढ़ा देते हैं और अगर वो देखते हैं कोई गरीब है चल ठीक है तो सस्ते में ले जा तो ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ये भी वही प्रिंसिपल है भाई इनके जो टैक्स लॉज होंगे वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे यूनिफॉर्म नहीं होंगे सबको पता नहीं होंगे कुछ ये लोग प्राइवेट रूलिंग प्राइवेट जजमेंट करके किसी को बेनिफिट दे देंगे किसी को भी किसी को फ़ायदा पहुंचा देंगे इस तरह की हरकतें करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी इनके टैक्स लॉज में बहुत 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 कम होती है Lack of transparency in the operation of legislative, legal, or administrative provision is another factor used to identify tax havens. Laws should be applied openly and consistently, and that information needed by foreign tax authorities to determine a taxpayer's situation is available. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन वन कंट्री कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर अदर टैक्स अथॉरिटीज टू अपलाई देयर लॉज इफेक्टिवली तो अब जब दूसरी टैक्स अथॉरिटी को पता ही नहीं लगेगा आ, तो फिर वो भाई तालमेल कैसे बिठाएगा क्योंकि तो तालमेल है ना तालमेल इंडियन गवर्नमेंट तालमेल बिठा रही है यूएस के गैक्स लॉस के साथ तो तालमेल है ये तालमेल बैठेगा ही नहीं अग्रीमेंट जो होता है वो तालमेल होता है ये बैठेगा ही नहीं अगर हमें पता ही नहीं कि दूसरे कंट्रीज के टैक्स लॉस क्या है और वो किस तरह से अपने जजमेंट टैक्स के जजमेंट देते हैं रूलिंग देते हैं पता ही नहीं तालमेल नहीं बैठेगा भाई सीक्रेट रूलिंग्स सीकरेट रूलिंग्स सीकरेट रूलिंग्स सीक्रेट 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 रूलिंग मतलब चुपचाप कोई भी रूलिंग दे दी किसी भी एस को बेनिफिट देने के लिए क्योंकि पता है वो एस इन्वेस्ट कर रहा है बहुत सारा पैसा सीक्रेट रूलिंग्स नेगोशिएटेड टैक्स रेट्स मतलब टैक्स रेट इनके फिक्स नहीं होते नेगोशिएशन पे डिपेंड करते हैं जैसे अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी कंपनी अगर इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है तो वो कहती है मेरे टैक्स रेट रखो कम नेगोशिएटेड टैक्स रेट सबके पास सबके साथ यूनिफॉर्म टैक्स रेट नहीं होते इन वाली कंट्रीज के और अदर प्रैक्टिस दैट फेल टू अप्लाई द लॉ ओपनली एंड कंसिस्टेंटली आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भाई क्या एम टैक्स का पैसा गैदर करना पैसा निकालना पैसा निकालना पैसा निकालना टैक्स का सिर्फ एक एम पैसे को खींचना पैसे को निकालना टैक्स का और कोई एम नहीं है सिर्फ पैसा कमाना इज द वन एंड ओनली एम ऑफ टैक्स तो ये जो वन एंड ओनली एम ऑफ टैक्स है इस एम की वजह से टैक्स दरकिनार कर देती है लॉ को दरकिनार कर देती है टैक्स के रेट्स को दरकिनार कर देती है टैक्स रिलेटेड किसी भी आस्पेक्ट को ये सबसे ज्यादा दुख की बात होती है टैक्स हेवेंस के लिए लैक ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन विद फॉरन टैक्स अथॉरिटीज ये तो मैंने आपको बताया भाई स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक अकाउंट्स हैं जहां पर इंडियन पॉलिटिशियंस के इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स के इंडियन अंडरवर्ल्ड डॉन के गैंग्स के इन सबके पैसे सेफ हैं भाई सिक्योर्ड हैं इंडियन गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से मांग रही है लाओ हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट मना कर देती है कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को पता है कि अगर वो ये डिटेल दे, दे देगी तो जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे और वो स्विस बैंक से पैसा निकाल के कहीं और ले जाएंगे इसलिए Lack of effective um, uh, exchange of tax information with foreign tax authorities, whether there are laws or administrative practices that prevent the effective exchange of information for tax purposes with other governments on taxpayers benefiting from uh, the no or nominal taxation. Tax havens typically have laws or administrative practices under which businesses and individuals can benefit from strict rules and other protection against scrutiny by foreign tax authorities. <coughs> this prevents. ट्रांसमिटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट टैक्स पेयर्स हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम लो टैक्स ज्यूरिस डिक्शन तो अल्टीमेट एम क्या है अल्टीमेट एम यह है भाई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए उन लोगों की जो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं विच आर द इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा गलत नजरिए से गलत तरीके से इन टैक्स हेवन में सेव करते जा रहे हैं उनका नियत गलत है वो टैक्स बचाना चाहते हैं अपनी कंट्री में इसलिए वो पैसा टैक्स हेवन में देते चले जा रहे हैं तो भाई टैक्स हेवन कभी भी दूसरी गवर्नमेंट के पास इनका डेटा नहीं देगी ये सब सबसे बड़ी दुख की बात ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात नो रिक्वायरमेंट फॉर लोकल प्रेजेंस ऑफ एन एंटिटी भाई भाई इन कंट्रीज में कंपनी खोलने का क्या मतलब है एक बस फॉर्म भर दो कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है कौन शेयर होल्डर है कौन मालिक है कुछ देने की जरूरत नहीं है बस एक फॉर्म भर दो कंपनी खुल गई ऑन पेपर कंपनी चल रही है साइप्रस में ऑन पेपर कंपनी चल रही है साइप्रस में काम सारा कंपनी का हो रहा है इंडिया में वाह काम सारा जो फैक्ट्री फैक्ट्रीड है वो है इंडिया में ऑन पेपर कंपनी कहां चल रही है साइप्रस में कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम क्या बोल रहे हैं साइप्रस तो कंपनी की टैक्सेबिलिटी कहां आई साइप्रस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है सिर्फ एक फैक्ट्री है फैक्ट्री होना ही तो मेन चीज है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ अगर वो रजिस्टर्ड साइप्रस के सर जमीन पर है क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो साइप्रस की टैक्स अथॉरिटी के लिए लायबल है आती है दिक्कत सबसे ज्यादा टैक्स के केस में देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर लोकल प्रेजेंस ऑफ एंटिटी अगर एंटिटी लोकली प्रेजेंट भी नहीं है सिर्फ कागजों में है साइप्रस करेगा हाँ जी हाँ ये मेरा रेजिडेंट है इसको टैक्स लेने का अधिकार मेरा है वो लड़ने लगेगा साइप्रस लड़ने लगेगा इंडियन गवर्नमेंट से इस एस एस का रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का मैं हूं तो इस पे जो टैक्स लेने का अधिकार है वो मेरा है लड़ाई करने लगेगा भाई सीधी सी बात सो so,

It may also indicate that कंट्री ड नॉट प्रोवाइड अ लीगल और कमर्शियल एनवायरमेंट और ऑफ फर एनी इकोनॉमिक एडवांटेज दैट वुड अट्रैक्ट सबसे इन एबसेंस ऑफ टैक्स मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज इट प्रोवाइड तो कोई इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है साइप्रस में इस कंट्री uh, को इस कंपनी को लोकेट करने का कोई एनवायरमेंट अच्छा ऐसा कोई कमर्शियल एनवायरमेंट बहुत ज्यादा वहां अच्छा नहीं है साइप्रस में कि जी रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा मिल रहा है और मेरा मैनुफैक्चरिंग बड़ी अच्छी हो रही है लेबर बहुत अच्छा मिल रहा है कोई इकनॉमिक एडवांटे नहीं है कोई लीगल एडवांटेज नहीं है कोई कमर्शियल एडवांटेज नहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अट्रैक्टिव uh, बात है वो है टैक्स मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटी बस अगर टैक्स मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटी को हटा दो तो ये वाली कंपनी कभी भी साइप्रस में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करेगी ये गारंटी की बात है अंडर दिस सिचुएशन साइप्रस गवर्नमेंट साइप्रस की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो उठा जाएंगी बेनिफिट बेनिफिट क्या उठा जाएंगी कोई बात नहीं टैक्स नहीं मिल रहा यार कोई बात नहीं टैक्स नहीं, टैक्स नहीं मिल रहा पैसे तो आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो आ रही है उन कंट्री में ये है सबसे ज्यादा लूज पॉइंट या लैकिंग पॉइंट ऑफ टैक्स अब जरा सुनना सर आपने वहां नकली कंपनी खोल ली हां जी हाँ खोल ली नकली कंपनी खोल ली वहां पर आपकी फैक्ट्री है इंडिया में हाँ जी फैक्ट्री है इंडिया में कंपनी हमने वहां खोली है ठीक है सर सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आप वहां कैसे प्रूव करोगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट साइप्रस में है हाँ आप ये चीज कैसे प्रूव करोगे अरे भाई बड़ा सिंपल है मैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जितनी मीटिंग होगी वो साइप्रस के थ्रू करवाऊंगा साइप्रस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक मेरा जुगाड़ होगा और जो साइप्रस में एक लोकल बंदा बैठा है कैसे छोटा सा नौकर रख लूंगा वहां पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाएगा और मैं ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूंगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को प्रूव करने की कोशिश करूंगा बोर्ड मीटिंग कहां होती है साइप्रस में होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी साइप्रस गए भी नहीं वो इंडिया में ही रहते हैं वो दिल्ली मुंबई चेन्नई में रहते हैं इंडिया में रहते हैं कभी नहीं गए साइप्रस लेकिन कहने को ऑन पेपर क्या कहा जा रहा है बोर्ड ऑफ मीटिंग इज हैपनिंग इन साइप्रस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मिनट्स होगा बोर्ड के मिनट्स होंगे वो कहां रखवाऊंगा मैं साइप्रस में रखवाऊंगा इंडिया में नहीं रखवाऊंगा तो मैं नकली 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 एक दो फैक्टर्स क्रिएट करूंगा जिन फैक्टर्स के तहत मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये वाली of, यार ये वाली वाली कंपनी कंपनी इज रेजिडेंट ऑफ ऑफ यार का जो प्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट है या जहां वो आ, काम कर रहे हैं जो उनका गढ़ है वो साइप्रस है मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा और साइप्रस गवर्नमेंट मुझे मदद करेगी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट साइप्रस गवर्नमेंट मुझे मदद करेगी वो मुझे सारे सर्टिफिकेट देगी ये प्रूव करने के लिए कि जी हाँ सब सब सेंचर एक्टिविटी एक्टिविटी जो इस बिजनेस की हो रही है साइप्रस में ही हो रही है ये जो बिजनेस है वो साइप्रस में ही लोकेटेड है साइप्रस गवर्नमेंट मुझे मदद करेगी क्यों मदद करेगी मदद इसलिए करेगी क्योंकि साइप्रस गवर्नमेंट को पता है मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रखूंगा मेरे जो आ, बैंक अकाउंट है वो वहाँ लोकेटेड होंगे जो मेरी इनकम होगी हो सकता है वो वहाँ पर आ रही हो इंडिया में ना आ रही हो वो वहाँ पर आ रही हो ऐसा हो सकता है सो <स्थ> so ये सब तरीके हैं टैक्स हेवन के पैसे चोरी करने के टैक्स हेवन के थ्रू पैसे चोरी करने के और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो टैक्स हेवंस का आइडेंटिफिकेशन हमें बताते हैं कि टैक्स हेवन कैसे आइडेंटिफाई होता है